लो जी आ गई खुशखबरी, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें भाई, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। राशन कार्ड अगर आपके पास है तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सभी को बहुत ही ज़बरदस्त तोहफा दिया है। जी हाँ, आने वाले 25 नवंबर 2023 से बैंकों में लाखों रुपए तो आपको मिलेंगे ही, उसके साथ साथ 25 नहीं 50 लाख रुपए तक का आपको फ़ायदा होगा। वहीं बीपीएल राशन कार्ड धारकों को अब एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में ही मिलती रहेगी। वहीं सरकार अब 5 लाख इनको भी घर बैठे देगी। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ साथ रोडवेज की जो बसें हैं उनमें किराया जो है वो बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। वहीं राशन कार्ड पर अब पूरे देश भर में सरसों का जो तेल है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो को देखिए अंत तक, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करेंगे, अपने गाँव शहर राज्य का नाम कमेंट करेंगे कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपके गाँव शहर राज्य से जुड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी को मैं बता दूं, बीपीएल राशन कार्ड अगर आपका बना हुआ है, तकरीबन 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों का बीपीएल राशन कार्ड फ़िलहाल पूरे देश भर में बना हुआ है, और उनको लगातार मोदी सरकार व काफ़ी सारे जो सरकारें हैं, जो कि राज्य की सरकारें हैं, वे भी मिलकर के नई नई जो योजनाएं हैं, नई नई जो सौगातें हैं, उनका लाभ प्रदान कर रही है। वहीं आने वाले 25 नवंबर 2023 से कुछ ऐसी योजनाएं लागू की जा रही है जिससे आपको लाखों रुपए का फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप एक गरीब परिवार से हैं, बीपीएल या एएवाई आपका राशन कार्ड है, और वही केंद्र सरकार आपको राशन दे रही है भाई, काफ़ी सारे राज्यों में 25 लाख रुपए तक का आपका स्वास्थ्य बीमा बना रखा था। जी हां, आपको मैं बता दूं, 25 लाख रुपए तक का आपका जो स्वास्थ्य का बीमा है वो बना रखा था। चिरंजीवी जो योजना है वो लागू कर रखी थी, अब उसको बढ़ा करके 25 से सीधे तौर पर 50 लाख रुपए तक का आपका जो स्वास्थ्य का बीमा है वो कर दिया गया है। वहीं आपको मैं बता दूं, मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड को भी लेकर बड़ा फैसला लिया है। ये जो 50 लाख रुपये तक का जो सालाना आपका बीमा है, ये तो भाई किया गया है कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर इसका फैसला लिया गया है। कांग्रेस की सरकार अब आपको 25 नहीं 50 लाख रुपए तक का चिरंजीवी इलाज देने वाली है। उसके साथ साथ मोदी सरकार ने भी, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 5 नहीं सीधे तौर पर 10 लाख रुपए तक का इसमें इलाज आप करवा पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटलें भी इसमें जोड़ दी गई है, तकरीबन 3500 से ज़्यादा नई हॉस्पिटल अब पूरे देश भर के जितने भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए जोड़ दिया गया है। यानी कि भाई जितने भी गरीब परिवार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अब मिल पाए। आप सभी को मैं बता दूं, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर भाई चुनाव चल रहे हैं, आने वाले 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे, और मोदी सरकार से लेकर कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वे नए नए जो वायदे हैं उनको फाइनल मोहर लगा दी जाएगी। जी हाँ, जहाँ पर भी सरकारें बनेगी वहाँ पर फाइनल मोहर लगा दी जाएगी। वहीं हम अगली बड़ी खबर की बात करें, जी हाँ, जहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर आपको बिल्कुल 500 रुपये में दिया जा रहा है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर आपको दिया जा रहा है। अब भाई वहाँ की सरकारों ने एक और सबसे बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब आपको आगे भी 500 रुपये में ही एलपीजी मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि अब इसके दाम बढ़ाए जाएंगे। जी हाँ, आप सभी को मैं बता दूँ, 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर है वो आपको मिलता रहेगा। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी 600 रुपये में एलपीजी मिल रही है, बहुत से ऐसे राज्य हैं 500 रुपये में एलपीजी मिल रही है, जहां पर 600 में मिल रही है वहां पर अब आपको 100 रुपये और कटौती देखने को मिलेगी। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये बीपीएल राशन कार्ड धारकों और उज्ज्वला कनेक्शन धारकों के लिए ही है, यानी कि भाई जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको इसका फ़ायदा नहीं होगा, केवल बीपीएल व उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को इसका फ़ायदा होने वाला है। वहीं आने वाले 25 नवंबर से उज्ज्वला कनेक्शन वालों को एक और तोहफा देते हुए मोदी सरकार ने कहा है कि भाई जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उन सभी के घरों पर डिलीवर कर दिए जाएंगे उनके गैस सिलेंडर व गैस का चूल्हा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक जो चूल्हे हैं वो भी आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जहाँ पर गैस का जो कनेक्शन लेने के बाद गैस सिलेंडर भरवाने के पैसे भी नहीं होते थे, तो भाई आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक जो चूल्हा है वो भी आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि आप कुछ अपना खाना अपने बिजली से भी पका सकें, क्योंकि भाई बिजली भी है काफ़ी सारे राज्य 200 यूनिट तक फ्री कर दी गए हैं, और मोदी सरकार भी चाहती है कि गरीब परिवार तकरीबन 100 से 200 यूनिट तक की जो बिजली है वो फ्री यूज करें, और आने वाले 25 नवंबर के बाद इस पर फाइनल मोहर लगा दी जाएगी कहाँ कहाँ आपको 200 यूनिट तक की जो बिजली है वो फ्री मिलेगी। इस पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आज शाम तक मैं बता दूंगा, एक नई वीडियो बनाई जाएगी उसमें आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्यों में 200 यूनिट तक की जो बिजली है वो फ्री कर दी गई है। वहीं आपको मैं बता दूँ, तकरीबन
पूरे देश भर में अब जितने भी राशन कार्ड उपभोक्ता है उन सभी को जो सरसों का तेल है, जी हाँ, वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपको मैं बता दूँ, बहुत से राज्य हैं जहाँ पर सरसों का तेल राशन कार्ड पर मिल रहा था, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे थे जहाँ पर सरसों का तेल उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा था। आने वाले 25 नवंबर के बाद अब सरसों का जो तेल है वो सभी राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला है, यानी कि सरसों का जो तेल है वो मिलने वाला है। और सरसों के तेल के साथ साथ आपको जो राशन है, जो आपको अनाज मिल रहा था, वो अनाज भी आपको अब डबल दिया जाएगा। यानी कि भाई जिन राज्यों में आपको अनाज 10 किलोग्राम दिया जा रहा था प्रति यूनिट के हिसाब से, वहाँ पर 20 किलोग्राम, और जिस राज्य में 5 यूनिट के हिसाब से आपको अनाज दिया जा रहा था 5 किलोग्राम यूनिट के हिसाब से, वहाँ पर 10 किलोग्राम यूनिट के हिसाब से आपको अनाज मिलेगा। वहीं आपको बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपको चावल की जगह पर अब गेहूं, और गेहूं जहां मिलता था वहां पर चावल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। अगली जो बड़ी खबर आ रही है, जी हां, जिन परिवारों में अपने बच्चे को या पुरुष को या फिर महिला को खोया है, चाहे बीमारी से खोया हो, चाहे भाई किसी भी दुर्घटना से खोया हो, अब उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक गरीब परिवार से हैं तो भाई सरकार आपकी मदद करना चाहती है। सरकार आपको 5 लाख रुपए तक देगी, वो भी आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलेंगे। इसके लिए फॉर्म भी भरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जैसे ही आपके अगर दुर्घटना से या फिर किसी भी प्रकार से आपके परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो भाई उसको अब सरकार पैसे देने का काम कर रही है। बहुत ही बड़ी खबर है भाई। उसके साथ साथ हम बात करें अगली बड़ी खबर की। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए आने वाले 25 नवंबर से रोडवेज की बसों में जितने भी बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं वो एक साल में 1000 किलोमीटर तक फ्री सफ़र कर पाएंगे। जी हाँ, ये पहले ही सरकार ने फैसला ले लिया था, लेकिन ये जो नियम था इसे लागू नहीं किया गया था। आने वाले 25 नवंबर के बाद से अब जितनी भी रोडवेज की बसें हैं वहाँ पर ये जो सफ़र है ये गरीब परिवार कर पाएंगे। 1000 किलोमीटर तक गरीब परिवार सफ़र कर पाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। वहीं आपको मैं बता दूं, अगली जो बड़ी खबर आ रही है बड़ी ही महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब 5 लाख रुपए तक का आपको अनुदान सरकार देने का काम कर रही है। आपको मैं बता दूं, 5 लाख रुपए आपको दिए जा रहे हैं। जिन्होंने भी फॉर्म भर रखा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए, वो भी 5 लाख रुपए, जी हाँ, सरकार से ले सकते हैं। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भर रखा है वो भी फॉर्म भर लें, तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर आपको इसका पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा। भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और भी काफ़ी सारी योजनाएं आती रहेंगी, क्योंकि भी आप सभी को मैं बता दूं, लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव लगातार सर पर हैं, और अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, और आगे वाले 2024 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। मोदी सरकार किसी भी हाल में अब ऐसा चुनाव को हारने के मूड में नहीं है। आगे भी काफ़ी सारी योजनाएं आती रहेंगी। आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यहाँ तक देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे सभी के दिन शुभ रहे।